आदिवासी मंत्री गवित और सांसद नेते ने पारी गोपाल लिंगो मां काली कंकाली के दर्शन कर ठंडे बस्ते में करोड़ों के विकास कार्य शीघ्र कराने का आश्वासन दिया। एशिया खंड की प्रमुख जो बड़ा देव से जानी जाती है, उसका इतिहास पुरातन होकर जिसे देखने लाखों श्रद्धालु 5 दिन के मेले में अनेक राज्यों से जय बड़ा पैन नारों से पहाड़ी गूंज उठती है। आज दोपहर को आदिवासी मंत्री विजय गवित और गढ़चिरौली के विधायक होड़ी और पूर्व विधायक संजय पुरम, नामदेव किरसान, शीतल मरकाम, राजकुमार पुराम, भरत दूधनाथ, रमन सलाम, बारेलाल बरखड़े, शंकर मंडावी, मनीष उसाम, वसंत पुरम, दुर्गा प्रसाद काकोड़े, रमेश तराम आदि उपस्थित थे। सर्वप्रथम सतरंगी झंडे का ध्वजारोहण शीतल मरकाम ने किया। आदिवासी मंत्री गावित ने रानी दुर्गावती पुतले का ध्वजारोहण किया। आदिवासी मंत्री और सांसद अशोक नेते और संजय पुराम ने अविलंब रुकी हुई करोड़ों की निधि शीघ्र दिलवाने हेतु अथक प्रयास करने की बात कही। प्रस्तावित दुर्गा प्रसाद काकोड़े ने किया। मंत्रियों को बुलाते हैं, खासदारों को बुलाते हैं, आमदारों को बुलाते हैं, ताकि कचारगढ़ में आए और हमारी आदिवासियों की जो स्थिति है, इस क्षेत्र का निरीक्षण करके यहाँ का डेवलप होना चाहिए, विकास होना चाहिए, इस तरह का नियोजन करने के लिए अतिथियों को यहाँ पर बुलाया जाता है कि संजय यहाँ का तो विकास बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ऐसी क्या बात हुई कि इधर हमारे सभी लोगों ने दुर्लक्ष किया। समस्त बौद्ध बांधवों का दीक्षा भूमि नागपुर कहलाता है और भारत का समस्त आदिवासियों भाइयों का दीक्षा भूमि कचारगढ़ कहलाता है। आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी आए, वो आने के बाद में और थोड़ा बड़ा मिला सुधार करने के लिए। उसके बाद में हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी आए, उन्होंने भी कुछ यहाँ सुविधा करने की कोशिश की। ऐसा करके थोड़ी थोड़ी सुविधा हमारे विभाग से भी हुई, जनजाति विभाग से महाराष्ट्र के कुछ रास्ते बने, कुछ पानी की थोड़ी बहुत व्यवस्था हुई। यानी अलग अलग जो मूलभूत दर्जाएं हमारी पूरी करनी होती है, बेसिक कम्युनिटी जो होती, वो पूरी करने की कोशिश हमारे विभाग ने की, लेकिन जितनी चाहिए उतनी नहीं हो पाई। महोदय, आपण मुख्यमंत्री म्हणून आपण मागच्या वेळेस येऊन गेले होते, आता उपमुख्यमंत्री आहात, पण महत्त्वाचं खातं तुमच्या हातात आहे, स्वतः वित्त मंत्री तुमच्या हातात आहे। माझी आपणाला विनंती आहे, कचारगडसाठी आपण 100 कोटी रुपये घोषित करावं, 100 कोटी। आणि मी त्यांना हे म्हटलं की कदाचित होऊ शकते थोडी अडचण पण येईल, कारण की शेवटी नुकतंच आता 4-5 महिन्यापासून राज्यामध्ये सरकार आलं, मागच्या वेळी आघाडीचं सरकार होतं, आघाडीचं सरकारबद्दल जेवढं सांगावं तेवढं कमी आहे, त्यामुळे त्याबद्दल बोलणार नाही। गोंदिया से BCN न्यूज के लिए सतीश पारंधी की धार्मिक रिपोर्ट।